आरओ क्रिकेट क्लब, आज मैं आपको बैटिंग की कुछ टेक्निक बताने जा रहा हूँ। आपने वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट बैट्समैन है लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें इनकी बैटिंग में एक चीज खासियत है कि जब भी ये शॉट खेलते बैटिंग करते तो इनके शॉट में आप ऑब्जर्व करोगे कि टाइम बहुत ज्यादा होता है इनके पास। तो अभी जैसा कि आप लोग कुछ बैटिंग कर रहे थे, मैंने ऑब्जर्व किया आप लोग लेट हो रहे हो। ऐसी सेम प्रॉब्लम बहुत सारे बैट्समैन को आती है कि जब वो फास्ट बॉलर को खेलते तो उनके शॉट लेट हो जाते हैं, बॉल निकलने के बाद बैट आता है, कभी कभी उनको रियलाइज होता है बॉल निकल के तब बैट आ रही है, तो पेस बॉलर को वो लोग खेल नहीं पाते। तो अगर आपको पेस बॉलर या फिर स्पिन बॉलर को भी अगर अच्छे से खेलना है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके अपने अपने जैसा आपने सोचा है, जैसा प्लानिंग की है, वो प्लानिंग के हिसाब से गैप में और अपने कंट्रोल में शॉट खेलना है, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बाद में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपने नॉर्मल स्टांस लिया, ये आपका मिडिल स्टंप का गार्ड है, आप खड़े हो, बॉलर जब रनअप लेके स्टार्ट हो रहा है तो आपका जो ट्रिगर मोमेंट आप पहले से ही ले लो, जो भी आपका ट्रिगर मोमेंट आप रेडी हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप रेडी हो गए, आपका बैक लिफ्ट आ गया, जो हम लोग शॉट में करते हैं बैक लिफ्ट ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इस अभी आपको क्या करना है, जब बॉलर रनअप के लिए रेडी हो गया, स्टंप के पास आ रहा है, तभी आपका ट्रिगर मोमेंट रेडी हो गया और आप बॉल पर फोकस करो, बॉल कहाँ पर गिर रही है, गिर के बैट के आने के लगने तक, बॉल गिरने के और बैट पर इम्पैक्ट होने तक ये ड्रिल आपको करनी पड़ेगी। जब ये ड्रिल आप कंटिन्यूस करोगे तो आपका बॉल पे फोकस ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगा, और जब आप ट्रिगर मोमेंट पहले ही ले लेते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। अब आपको खाली बॉल फोकस करना है और बैट लगाना है, बैट भी आपका पहले से लिफ्ट हो चुका है, तो बैट को वापस ले जाना फिर नीचे लाना, वो टाइम आपका सेव हो रहा है। तो अब आपको ध्यान देना, हम कुछ बॉल अभी आपको मैं खेल के बता रहा हूँ, अब क्या डिफरेंस होगा आप समझेंगे। यार अब बीच में जा गया, जैसा कि आपने अभी देखा क्या होता है, जब मैं पहले से रेडी हूं तो मेरे पास टाइम बच रहा है, मेरे पास खाली दो काम है, बॉलर की लेंथ को फोकस करना और अपना बैट उस पर लाके लगाना, तो इससे बैट्समैन का बहुत ही टाइम सेव हो जाता है। जब ये ड्रिल आप बार 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 करते रहोगे तो कितना भी पेस बॉलर हो आप उसको इजीली खेल सकते हो और अपने हिसाब से कंट्रोल में शॉट खेल सकते हो। अगर ये ड्रिल आपने डेली, अगर आप 25-30 बॉल डेली, कम से कम अगर अच्छा बैट्समैन बनने तो 25-30 बॉल मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60-70 बॉल, 100 बॉल तक डेली आपको खेलना पड़ेगा, और इतना प्रैक्टिस करो 2-3 महीने बाद, 6 महीने के बाद आप अपने अंदर बहुत ही चेंज पाओगे, आप एक डिफरेंट लेवल के बैट्समैन बन जाओगे। थैंक यू सो मच।